वो भाई क्रैश हो गया यार, उठाओ ऊपर आराम से आराम से। क्या कौन सा फोन? मेरा वाला भाई, आज लगे लेवल के सीन हो रहे यार। पहले भाई क्रैश करियो भाई, इसके दो हिस्से हो गए हैं भाई यार। ये मेरा एडिटिंग वाला फ़ोन था भाई, इसका पूरा कम्बो हो गया। और भाई कैमरा भी कम्बो भी भाई यार, थोड़ा आराम से पकड़ना चाहिए था यार। हेलो यूट्यूब फैमिली, तो कैसे आप सब, स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मेरे रूम से, ये देख रहे हो पीछे टैडी, देखो कितने मस्त लग रहे सारे। और मूछें कैसे लग रही है मेरी भाई, कमेंट करके बताना। और मेरे जो मतलब 20 के होने वाले हैं बड़े जल्दी, और एक राइड का प्लान भी बन रहा है। तो अभी 9 बज रहे हैं सुबह, यहाँ से चलते हैं सीधा, मिलता हूँ मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे, क्योंकि रास्ते में चलते हुए बात करूँगा आपसे। रास्ते में चलते हुए बात करने में मज़ा बड़ा आता है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं, मिलता हूँ सीधा बाइक के पास पहुँच। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ फाइनली मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पे पूरा, और ये लगी अपनी हार्ट बीट भाई। इसका नाम मैंने हार्ट बीट रखे, दिल की धड़कन। ये सच में दिल की धड़कन। अभी इसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं जल्दी से और निकलते हैं। 9:20 हो गए हैं भाई, लेट हो गया बहुत ज़्यादा, और रास्ते में स्लिप पैन हो भाई, तगड़ी तगड़ी स्लिप है भाई। हो जाएगी स्टार्ट, हो गए भाई, एक ही सेल्फ में स्टार्ट हो गई। इतनी ठंडा यहाँ पे कोहरा जमा होता है पूरा, लेकिन फिर भी स्टार्ट हो गया भाई, क्योंकि इसलिए तो उसका नाम हार्ट बीट रखा है भाई। तो अभी चलते हैं यहाँ से, मिलता हूँ रास्ते में, बहुत सारी बातें करनी है आज आपसे। हेलो, क्या नाम आपका? क्या नाम है? ज़ाहिर। ये क्यों पीछे हो रही है? अरे छोटे छोटे फैन मिल गए यार, ये जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, शायद मेरे को लगता है मेरी वीडियो यही देखता है छोटे छोटे जितने भी हैं। बाकी भाई ऊपर ऊपर देख रहे हो बर्फ़ गिर गई है पूरी, नीचे भी गिरने वाली है जल्दी। बर्फ़ गिरने से पहले सोच रहा हूँ राइड पे निकल जाऊँ कहीं ना कहीं। तो राइड का प्लान बन रहा है कि शिमला जाएंगे, तो अभी लड़कों को पूछ लेते हैं, अभी कमेंट करके बता दो कहाँ जाए कहाँ नहीं। लेकिन मुझे शिमला बेस्ट लग रहा है यार, क्योंकि वहाँ पे पहले गए भी नहीं है, और 20 के होने वाले उसके भी सेलिब्रेशन पार्टी बनती है भाई। क्योंकि 10 के पे सोचा था, लेकिन 10K ऐसे जल्दी हो गए, पता भी नहीं चला पूरा भाई कब 10K हो गए। तो अभी 20K की बारी है, तो देखते हैं। प्लान बन रहा है पहले राइड का, शिमला राइड 20K होने के बाद ही जाएंगे। अभी ठंड बड़ी ज़्यादा है भाई, ऐसे हवा ना जिसम के मतलब आर पार हो जाती है, इतनी ज़्यादा ठंड है। इस साइड तो देखना पूरा कोहरा जमा होता है। वो भाई क्रैश हो गया यार, सुबह सुबह भाई का यार सीन हो गया। करो करो उठाओ ऊपर आराम से आराम से। स्लिप कर गया यार, स्टैंड लगाओ साइड से। भाई ये सब पानी की वजह से होता है यार, पानी कौन डालता है यहाँ पे? देखो कितने स्लिप है यार, इसके ऊपर से बाइक स्लिप कर गई यार। ये देखो यार पूरा लगी तो नहीं है ये लगी थोड़ी सी। इसका क्रैश कार थोड़ा टेढ़ा हो गया यार। ये टूटता है यार, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, नॉर्मल चलता रहता है यार। नहीं लगी, नहीं लगी, इधर बैंडेड वगैरह होंगे ना। भाई गलती सीन हो यार, सुबह सुबह यहाँ से भाई स्किट कर गई यार, मैं इसलिए आहिस्ता सा चल रहा था भाई। चलो आहिस्ता आहिस्ता,
भाई लोग पानी फेंक देते हैं ऐसे रास्ते में, तो वो जम गया होगा। मैं पहले बोला था भाई स्लिप हो रही ज़्यादा रास्ते में, तो बाइक स्किड करके पूरी। यार ये देखो यहाँ पे देखना यार कितने ज़्यादा वो है, ये देखो यहाँ से बाइक स्किड करेगी करेगी भाई। और सुबह सुबह लगती है ना ठंड में भाई, पूरा यार सीन हो जाता है भाई। फाइनली जाके धूप देखने को मिली है यार, जो स्लिप है ना। हाँ जी भाई, झेड़ तक जाना है। कोई नहीं, आ जाओ, मैं वैसे भी अकेला ही हूँ, बैठ जाओ। तो भाई मैं बोल रहा था स्लिप है भाई, और जो ठंड है ना, स्लिप तो आपने देख ली पीछे जो क्रैश हुआ भाई का सुबह सुबह, यार बहुत ही गंदी तरह क्रैश हो गया। ओ भाई फाइटर ड्राइवर, फाइटर क्या बोल रहे हो, फ़ोन करना है किसको, करना है फ़ोन दुकान पे, आपने ना लाया अपना। अच्छा दुकान पे रह गया, कर लो जेब में पड़ा है। क्या कौन सा फ़ोन, मेरा वाला भाई, वो कैसे गिर गया। ओ भाई उतरो 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 जल्दी यार, भाई फ़ोन गिर गया, पक्का टूट गया होगा यार। भाई आराम से पकड़ना चाहिए था यार। भाई आज अलग ही लेवल के सीन हो रहे यार, पहले बाइक क्रैश करी हो भाई, इसके दो हिस्से हो गए हैं भाई। यार ये मेरा एडिटिंग वाला फ़ोन था भाई, इसका पूरा कम्बो हो गया। ओ भाई कैमरा भी कम्बो भी, भैया थोड़ा आराम से पकड़ना चाहिए था यार। यार भाई क्या है, छूट गया हाथ से। यार ये मेरा एडिटिंग वाला फ़ोन था, मैं एडिटिंग कैसे किस पे करूँगा एडिटिंग यार। भैया थोड़ा ध्यान से पकड़ना चाहिए था यार, क्या कर दिया आपने, छूट गया भाई हाथ से। इसका तो पूरा सीन ही हो गया यार, आज दिन ही ख़राब है भाई। बाइक का भी क्रैश और मेरा फ़ोन भी गया यार, ये देखो गया पूरा कम्बो भी, अब ठीक करना मुश्किल है इसका। 4-5 हज़ार का खर्चा आएगा, अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है यार। भैया थोड़ा ध्यान रखना चाहिए यार, और किसी की चीज़ लेते हो ऐसे कैसे छूट गया यार। एक तो आपको लिफ्ट दे रहा हूँ, ऊपर से फ़ोन भी तोड़ दिया। चलो देखते हैं जितना भी खर्चा होता है भाई, अलग ही सीन हो गया यार। अब एडिटिंग कैसे करूँगा मैं, इसका क्या करूँगा अब। यार वही चक्कर है, जो बोल रहा हूँ ठंड है, ठंड की वजह से हाथ भी ऐसे हो जाते हैं, ग्रिप नहीं रहती है, उसकी वजह से शूट किया होगा यार। चलो क्या करना है, छूट गया तो आ जाओ बैठ जाओ, कोई इशू नहीं है, देख लेते हैं जितना भी खर्चा होगा कर लेंगे ठीक। भाई घर कहाँ है आपका, लाठी में ही है। काम क्या करते हो, वेल्डिंग का काम करते हो, फिर ठीक है। और घर वाले, मिस्त्री का, कोई नहीं भाई इधर ही उतरना है अपने, कोई नहीं यार, पैसे को ऐसे नहीं ठीक है, टेंशन लेना आप चलता रहता है ऐसे ठीक है, जाओ आप आराम से बैठ जल्दी। हाँ जी तीन आते नहीं है भाई, भाई मैं इसको क्या ही बोलता यार, उसने फोन तोड़ दिया यार, लाठी से लाठी से बोल रहा है किस्तों किस्तों में पैसे दूंगा, लेकिन भाई मैं लेने वाला कोई सीन नहीं है, ऐसा चलता रहता है काम।
टूट गया, उसकी कोई गलती नहीं, हाथ ठंडे हो गए होंगे बेचारे के, तो हाथ से गिर गया फ़ोन, उसकी वजह से टूट गया होगा, पर कोई टेंशन नहीं यार। तो मैं बोल रहा था कि मैं मतलब शिमला राइड जो प्लान कर रहा हूँ उसमें जा रहे हैं, तारिक भाई भी जा रहे हैं और भी मतलब 5-6 लड़के जाएंगे, हर भैया को पूछ लूँगा अगर उन्हें चलना होगा तो। बहुत ही जल्दी शिमला राइड आने वाली है भाई, बहुत ही मस्त तगड़ी राइड होगी, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पहले गया नहीं हूँ भाई, और आज फिर से मेरा नुकसान हो गया। पिछले ब्लॉग में देखा होगा आपने, 10,000 का उधर चूड़ना लग गया था और आज भी भाई 30-35 का तो लग ही गया। तो ये सब सीन है भाई, लोग ऐसे रास्ते में परेशान करते हैं। तो आज भी फिर से नुकसान हो गया यार, चलो कोई नहीं, कर लेंगे, ऊपर वाला दे रहा है तो सब उसमें एडजस्ट हो जाएगा, कोई सीन नहीं है। तो ठीक है यार, थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।